जनजातीय बाहुल्य जिला डिंडोरी में औसत वर्षा लगभग 1450 मिलीमीटर है, परंतु इसकी भौगोलिक स्थिति के कारण डिंडोरी जिला कई वर्षों से जल अभावग्रस्त रहा है। वर्तमान समय में जिले के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिगत जल स्तर के गिरावट को ध्यान में रखते हुए शासन द्वारा उक्त समस्याओं के समाधान हेतु प्रयत्नशील है। जनपद बजाक अंतर्गत ग्राम पंचायत घोपतपुर में 3 पोषक ग्राम घोपतपुर माल, घोपतपुर रैयत व पिंडरुखी माल है, जिसका कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 1177.97 हेक्टर है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई और वाटरशेड विकास योजना से कृषि भूमि के लिए सिंचाई की क्षमता एवं आय में वृद्धि हेतु जिला प्रशासन द्वारा सतत प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई और वाटरशेड विकास योजना से जल संरक्षण, संरचनाओं के साथ साथ मृदा संरक्षण हेतु आवश्यक संरचनाओं का निर्माण किया जा रहा है। जल संरक्षण के लिए खेत तालाब आदि संरचनाओं के निर्माण होने से कृषि सिंचाई क्षमता में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। इन जल संरचनाओं में किसान मछली पालन कर अपनी आय को दोगुनी कर रहे हैं। घोपतपुर माल में वाटरशेड योजना से 18 खेत तालाब एवं 3 शासकीय तालाबों का निर्माण किया गया है, जिससे क्षेत्र के लगभग 80 हेक्टेयर कृषि भूमि के लिए सिंचाई की क्षमता विकसित की गई है। अब किसानों द्वारा सिंचाई की व्यवस्था होने पर खरीफ की फसल के साथ साथ रबी की फसल भी ली जा रही है। कृषि एवं मछली पालन से आय दोगुनी होने पर किसान बहुत खुश हैं और इस सराहनीय कार्य के लिए शासन प्रशासन को धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं। मेरे नाम श्रीमती सरस्वती मरावी, मैं ग्राम पंचायत घोपतपुर की रहने वाली हूँ। पिछले वर्ष वाटर सेट के तहत मेरे खेत में तालाब खुदाई हुई है, उसमें मेरे यहाँ मैं गेहूँ 3 एकड़ में बुआई की हूँ और तालाब के पानी से सिंचाई की, और तालाब में मैं मछली भी पाली हूँ और मेड़ में राहर चारों तरफ लगाई हूँ। राहर बहुत अच्छा है और गेहूँ की फसल भी अच्छी है।